टिकट के अंदर साथ में ये बारकोड होता है जिसको स्कैन करना होता है यहाँ से निकलने के लिए। ये देखिए सामने से कैसी नज़र आती है ये बुलेट ट्रेन। तो सर यहाँ पर आपको बोगी के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है आपका बोगी नंबर कितना है। 300 हो चुका है, 300 की स्पीड से गाड़ी अभी चल रही है यहाँ पर आप देखिए। और अभी अंदर साइड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा और बाहर की स्पीड आप देख सकते हो। FM चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पर FM पे मगरिब की नमाज लाइव हो रही है। और नीचे देखेंगे आप एक डलिया है प्लास्टिक की और उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है। देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर मक्के के जरवर इलाके में, तो जाना है मदीना। अब मैं वेट कर रहा हूँ कोई भी टैक्सी जल्दी से फुल हो जाए। तो दोस्तों फाइनली हमारा प्यारा दोस्त जिगरी दोस्त और मस्जिद नबी में भी साथ में हम लोग, और साथ ही अभी हम लोग हरम शरीफ भी जा रहे हैं मक्का में। अब हम लोग जाएंगे साथ में उमरा करने के लिए इंशाल्लाह। फिर दिखाते हैं आपके यहाँ के नज़ारे। तो पर आप देखो यहाँ पर छतरियाँ सारी ओपन हो चुकी हैं जो आपको नज़र आ रही है मस्जिद के अंदर, ये सारी बंद हो जाती हैं शाम के टाइम असर के बाद, अब ये फजर के बाद ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर काम चल रहा है अभी भाई टैक्सी। मदीने शरीफ में अभी हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं, एहराम बांध लिया है, टैक्सी आ चुकी है। ये है ओहद पहाड़ जो आपको सामने नज़र आ रहा है जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी। तो दोस्तों अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं अपने होटल से मेट्रो स्टेशन के बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे जाने के लिए। इसका तकरीबन कितना डिस्टेंस होगा भाई जहाँ से अब हम लोग हैं? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के समथिंग का होगा डिस्टेंस। वो भाई अभी 25 रियाल में लेकर जा रहे हैं। और भाई का नाम क्या है? शहनशाह भाई, वो पाकिस्तान से है भाई। यहाँ पर अभी हम लोग पहली बार उमरा कर रहे हैं, उजैर और हम दोनों साथ में, हम तीनों भाई भी हैं साथ में हमारे, हुसैन भाई। और हम लोगों ने नियत करी थी, मतलब सोचा था, अल्लाह से दुआ करी थी कुछ साल पहले, वो हमारी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह का शुक्र है भाई। दुआ करिएगा हम लोग आ जाएंगे उसके बाद ये वीडियो डलेगी, लेकिन दुआ ये कीजिएगा कि बार बार हम आते रहें यहाँ पर और आप भी हमारे साथ में आएं इंशाल्लाह। अल्लाह ने हम गुनाहगारों की दुआएं कबूल कर ली है, तो अल्लाह आप सबकी दुआएं भी कबूल करे इंशाल्लाह। ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ है। आप ससरन ने इसके बारे में फरमाया कि ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। अच्छा, जन्नत ही पहाड़ है, उहद का पहाड़ जन्नत में जाएगा। आखिर ज़माने में मस्जिद नबवी जब इतना तवील होगा कि उहद का पहाड़ मस्जिद नबवी के अंदर आएगा। ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, ये जो निशान है सिंबल एंड ऑफ द हरम एरिया, यहाँ पे हरम की हद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये लीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। ये देखिए यहाँ से एंटर हुए हैं और ये इनसाइड देखिए कितना प्यारा बना हुआ स्टेशन। और अभी हमको इस तरफ जाना है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारा जो टिकट है, टिकट के अंदर साथ में ये बारकोड होता है जिसको स्कैन करना होता है यहाँ से निकलने के लिए। ये देखिए ओपन हो चुका है गेट, अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। चलो 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 चलो, अड्स खड़े होते हैं। वो आपसे पूछ रहा था आपकी ट्रेन के टाइमिंग क्या है, तो आप उन्हें बता दो जिस टाइम के हिसाब से, तो वहाँ से एंट्री होती है फिर अलग अलग। नीचे साइड में देखिए यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, शायद ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। ये देखिए आप सामने आपको नज़र आ रही है ट्रेन। आज तो हमारा फर्स्ट टाइम है ट्रेन में बैठने का, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं अब कैसा लगेगा, शायद एक्साइटमेंट है। ये 300 की स्पीड से चलती है। ये देखिए सामने से कैसी नज़र आती है ये बुलेट ट्रेन। हम लोग इससे पूछ लेते हैं टिकट 009 उसने यहाँ पर आपको बोगी के ऊपर यहाँ पर लिखा होता है आपका बोगी नंबर कितना है, कोच नंबर कितना है। तो अभी हमारा 009 था, तो ये 009 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग इसी के अंदर जा रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से दूसरा अटैच है, यहाँ पर हमें इस तरफ जाना है। हमारे सीट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 250-251 आ चुके हैं। और यहाँ पर आपके बैग यहाँ पर रखने के लिए जगह है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये सीटिंग एरिया है। दोस्तों अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एज़ अ फ्लाइट में बैठो,
सारी चीज़ें वैसी रखी हुई हैं। भाई जान अभी यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, इंस्टा भी चल रहा है क्या जी? अरे भाई बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम आप सभी के लिए जनाब। देखते भाई यहाँ पर क्या है, ये तो भाई अपन को स्पीकर नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये शायद लाइट है। लाइट जल तो ही नहीं रही। अच्छा इसे जलती है, आप अपनी लाइट चालू कर सकते हैं यहाँ से। ये पूरा एसी यहाँ पे, यहाँ से आपको एयर आती है। टेबल पर क्या है, यहाँ पे छोटा सा डस्टबिन, ये आपके लिए टेबल है, यहाँ पे खाना खाएं, स्टडी करें, जो करना वो कर सकते हैं। दोस्तों ये सीट के ऊपर ही आपको हर सीट के ऊपर चार्जिंग मिल जाती है, हमारे साइड में भी देखिए, ये है टाइप सी, ये है USB और ये आपका चार्जर अडाप्टर लगा सकते हैं यहाँ पे 230 वॉट तक का। यहाँ कोच में आपको देखो कितनी सारी स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है हर जगह ज़रा ज़रा से दूरी पर। इसके अंदर आप देखिए क्या क्या आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर की स्पीड बता रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कोच नंबर बता रहा है, और साथ ही आपको मैप भी नज़र आ रहा है कि आप किस जगह पर हैं, GPS आपका ट्रिक हो रहा है यहाँ पे, और टेम्परेचर भी बता रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर साइड में। उर्दू में भी आ रहा है, किबला रुख भी बता रहा है कि क्या पर किस तरफ है, ताकि आप वहाँ कहीं सीट पर बैठे बैठे रुख करके नमाज अदा कर सको। अभी अनाउंस हो चुका है कि आप हरमेन की हाई स्पीड ट्रेन में हैं और आप मदीना से निकल चुके हैं। माशाल्लाह आमिर भाई को अरबी समझ में आने लगी है 20 दिन में। ये देखिए भाई यहाँ के बाग मदीना के, और यहाँ के खेत, यहाँ तो खेत नज़र आते नहीं है वैसे, है ना? सऊदी जो है वो रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके में, तो यहाँ पर आपको खेत वैसे देखने को तो मिलते नहीं है जैसे कि हमारे इंडिया में होते हैं। 66, 67 अभी 50 था, अब डायरेक्ट 70 हो गया, 80 आ चुका है, 80 के बाद बढ़ती जा रही 90 टच कर गई। अब ये देखिए स्पीड पकड़ ली है गाड़ी ने और कितनी तेज जाएगी। एक और अनाउंसमेंट होगा, 100 पार कर चुकी है, 120। यहाँ पर ऐलान भी हुआ है कि यहाँ पर मेकात आ रही है, तो आप नियत कर सकते हैं यहाँ पे 150 टच। दोस्तों अभी तक हम लोग जिन ट्रेनों में बैठे हैं वो उनकी स्पीड तकरीबन 100 से 150 तक की अभी तक हम ट्राई कर चुके हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पवनटर बन रहा है रेत का, नहीं यार कुछ और होगा, हाँ ऊपर तक जा रहा है ना वो, ये देखिए जहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये तेज़ हवा चल रही होगी बाहर साइड में आंधी, और यहाँ आप देखिए अभी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है 280 अरे 300 टच होने वाली है, पता नहीं चल रहा है यार हमको, तो टच होने वाली है गाड़ी। और बाहर अंदर साइड में से कुछ फील होगा तुम्हें? भाई अंदर ऐसा लग रहा है 100 की स्पीड होगी मुश्किल से, टायर वगैरह में जो नॉर्मली स्पीड आ रही है यार, ऐसा पहाड़ों को देखिए अभी आप देखिए 293 टच कर रहा है, 294 टच होने वाला है, देखते हैं 300 टच कर चुकी है, ये देखिए 300 हो चुका है, 300 की स्पीड से गाड़ी अभी चल रही है यहाँ पर आप देखिए, और अभी अंदर साइड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, और बाहर की स्पीड आप देख सकते हो, ये देखो बाहर के जो खंभे होते हैं ना इतनी स्पीड से निकल रहा है ना, जो इतने इतने दूर होते हैं ना, देखिए दोस्तों कितनी स्पीड से यहाँ पे ये खेत निकल रहे हैं लोगों के, ये मकान है, बाग है, खंभे हैं लाइटों के, क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेन जो चल रही है ना वो 300 की स्पीड से, देखिए 299 काफ़ी ज़्यादा होती है भाई, बुलेट ट्रेन का यही फ़ायदा है। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं आप देख सकते हो, पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या चट्टान है ये, देखिए दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रेगिस्तान में, जद्दा पार करने के बाद यहाँ से देखो आप पूरा रेगिस्तान यहाँ पे नजर आ रहा है, उनके नाम से कर दिया जाए। भाई यहाँ पे क्वार्टर लेने वाले
क्योंकि हम लोग रात से सोए नहीं है, दिन भर आज उमरे के लिए निकले हुए हैं और रात को मुझे रिटर्न भी होना है, तो जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इसमें कैफीन होता है। नाइस। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई मक्का। ये देखिए यहाँ पर बस्ती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक टावर यहाँ से ही नज़र आ रहा है ट्रेन में से। ये देखिए जूम करके देखते हैं, काफ़ी ऊंचा टावर बनाया ताकि हर जगह से नज़र आ जाता है। ये लोग यहाँ पर बता दें भाई टिकट के मामले में, तो भाई अभी हम लोग थे इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास है और इसका बिजनेस क्लास होता है जो कि इकोनॉमी क्लास से डबल होता है। यही टिकट हमारे लिए 90 रियाल में मिल रहा था रात कल शाम को, लेकिन हम लेट, हमने सोचा सुबह बुकिंग कर लेंगे। 90 रियाल की जगह 140 रियाल देना पड़े क्योंकि इसका फेयर बढ़ जाता है जैसे टाइम करीब आता है या कुछ होता है सीट की वजह से। 2 घंटे 4 मिनट का टाइम लगा और अभी हम लोग मक्का पहुंच चुके हैं। जब हम लोग एंटर कर रहे थे अपना बारकोड दिखाना पड़ा था, लेकिन अभी आते टाइम बाहर एग्जिट करते टाइम वो चीज़ नहीं दिखाना पड़ी यहाँ पे। तो अभी हमको असर की नमाज़ पढ़ना है और मगरिब के टाइम होने से पहले पहले जब तक हम लोग हरम मक्का जाएंगे शायद जब तक मगरिब हो जाएगी अगर ट्रैफिक मिला तो, इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं स्टेशन पर ही असर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। स्टेशन पर ही यहाँ पर मुसल्ला बिछा हुआ है तो यहीं पर नमाज़ अदा हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर ख़ास प्रेयर रूम भी बने, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रेयर रूम फीमेल्स है, प्रेयर रूम मेल है। तो चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या है वैसे। और आप देखिए यहाँ पर वज़ू के लिए इंतज़ाम है, यहाँ पर आप यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ पर अंदर आएंगे तो ये रूम के अंदर मुसल्ला भी है यहाँ पे। नहीं 15 रियाल 3 पर्सन। तीन भाई यहाँ पर अभी टैक्सी वाले हमसे यहाँ से स्टेशन से मक्का तक ले जाने के लिए वो हरम शरीफ तक 40 रियाल मांग रहे हैं। तीन पर्सन कितना रियाल हरम 3 पर्सन का 20। तो भाई टैक्सी मिल गई अभी हमारे लिए। ये हरम नमाज मगरिब। ये एफएम चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पर एफएम पे मगरिब की नमाज लाइव हो रही है। अभी वहाँ पे जमात खड़ी हो चुकी है। मदीने जाने से पहले हम यहाँ पर एक सिम खरीदी थी हमने मक्के के पास में, हमने 70 रियाल की कुछ 2 सिम खरीदी थी। उसके बाद हमारे पास 40 रियाल थे, 30 रियाल बच गए थे। उसके बाद हमें 30 रियाल देना था इनको, लेकिन इन्होंने कहा था कल दे देना। कल के चक्कर में इनका काउंटर कहीं और चला गया था, वो ढूंढा इनको मिले नहीं। अब हम मदीने पहुँच गए और कल हमारी फ्लाइट है तो 30 रियाल देना बाकी थे। तो भाई हम ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गए काउंटर। 30 रियाल। दिक्कत यहाँ पे ये हो गई ना कि यहाँ पे बंदा दूसरा था और अभी दूसरा है, तो उनका कॉन्टेक्ट करवा के बोलना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे हमें कौन है, 10 दिन पहले उधारी ली थी हमने। आई कॉल्ड हिम, ही टोल्ड मी इट इज टुडे इज ओके। थैंक यू। जॉकिंग 30 रियाल हम दे चुके हैं भाई यहाँ पे। आई विल सेंड वीडियो फॉर हिम ऑल्सो। सेंड इट, नो प्रॉब्लम। Thank you, brother. You are welcome, brother. Rela, send. I took the money. Don't worry. अभी हम लोग अंदर साइड जा रहे हैं उमरा अदा करने के लिए पूरा। अभी हम लोग पहले तवाफ करेंगे, उसके बाद सही करेंगे सफा मरवा के बीच। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह भी कितने सारे लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, जहाँ से सिर्फ जितने लोग एहराम बांधे होते ना वही सिर्फ यहाँ से जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जाने दिया जाता अंदर साइड में।
तवाफ भी हो गया है, सफ़ा मरवा के चक्कर भी हो गए, सही हो गई, और उसके बाद अब हलक रहेगा खाली, उसके बाद फिर हमारा उम्रा पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। रात के 12 बजने वाला है और यहाँ पर आप ये देखिए मंजर, और अभी मुझे 12 बजे यहाँ पर अभी भाई के रूम से जाके मुझे कपड़े उठाने हैं, अभी एहराम चेंज करना है, उसके बाद फिर मुझे वापस मदीने के लिए निकलना है मक्का से रात में ही, और क्योंकि सुबह हमें तैयारी करना है वहाँ पे, और रवानगी हमारी वापसी है यहाँ से। गेट है यहाँ पर जो एंट्री गेट है, किस तरफ है एक उस तरफ है जो सामने नज़र आ रहा होगा, ये इन गेटों का भी देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मीनारे भी बढ़ाए जा रहे हैं माशाल्लाह, इस तरफ आप देखिए नए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलक भी हो गया है, अब हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है जो कि सबसे बड़ा उम्रा कहलाता है, मदीने से मक्के का उम्रा। भाई अभी हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए, अभी हमें निकलना है यहाँ से मक्के से जद्दा, सॉरी जद्दा नहीं मदीने जाना है, मदीने के मदीना रात के बज रहे हैं अभी 1, और मदीना हमको पहुँचना है तो सुबह हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हमें सुबह वहाँ से फिर हमारी वापसी है भोपाल के लिए, तो फ्लाइट भी पकड़ना है। तो भाई जान ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था क्या? ना, ठीक है। तो इस तरीके से लेट कर करके इन्होंने मैं इतना लेट कर दिया, रात हो गई है, अब मुझे जल्दी से निकलना है, नींद आ रही है, खाना भी नहीं खाया है, रात में लग रही थी हमें काफ़ी भूख, तो हमने सोचा चलिए मक्के में ही किसी होटल में खाना खा के निकलते हैं। तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कोई अच्छी होटल मिल जाए खाना खाने के लिए, तो खाने में क्या क्या है? चिकन कढ़ाई है, दाल फ्राई है, मिक्स सब्जी है, कढ़ी है, और स्वीट डिश में फिर नहीं होती। अभी हम लोग भाई हिजरा रोड पर आए, यहाँ पर एक होटल थी, तो अभी पाकिस्तानी होटल है, तो यहाँ पर खाना खाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर रोटियाँ सबसे बड़ी बड़ी साइज़ की मुझे नज़र आ रही है भाई, दाल तड़का और ये है चिकन कढ़ाई, यहाँ का तरीका देखिए सर्विंग करने के यहाँ पर, और नीचे देखिए आप एक डलिया है प्लास्टिक की, और उसके ऊपर प्लेट रखी हुई गर्म गर्म ताकि आपका हाथ ना जले, और इसे और ये रोटी देखिए कितनी बड़ी साइज की रोटी है भाई, एक प्लेट के साथ 3 रोटी आपको फ्री मिलेगी यहाँ पे। अब अगर एक प्लेट लेते हो सालन तो उसके साथ 3 रोटी फ्री आती है, और साथ में अभी हमने 2 लिया तो 6 रोटी आएंगी, और यहाँ पर पानी की बोतल 1 रियाल की है। ऐसा लगा खाना भाई? ऐसा लग रहा है सब भोपाल में खाना खा रहा हूँ, क्योंकि रोटी का टेस्ट बिल्कुल भोपाली रोटी की तरह है। अच्छा, अभी हम निकल रहे हैं मदीने के लिए, भाई जान ये लोग लोगों को रवाना करते हैं, तो आपको रवाना करते हैं, आइए हमें रवाना कर रहे हैं इंशाल्लाह फिर होती है। अभी मैं हरम शरीफ के उस तरफ था, तो मुझे वहाँ से दूसरी एक टैक्सी ने लाकर यहाँ पर छोड़ दिया, जरवर इलाका है, यहाँ से सारी टैक्सियाँ मदीने के लिए रवाना होती हैं, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कोई भी टैक्सी आएगी तो जाने के लिए। और अभी मैं टैक्सी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी इतनी रात को बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, बुलेट ट्रेन का टाइमिंग है लास्ट टाइम 8 से 9 बजे के आसपास वो बंद हो जाती है, और फिर सुबह के टाइम जो बुलेट ट्रेन स्टार्ट होती है उसका टाइमिंग है सुबह के 9 से 10 बजे के आसपास वो स्टार्टिंग होती है, तो जब तक के लिए मुझे बुलेट ट्रेन के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर मक्के में क्योंकि मुझे सुबह वहाँ पहुँच कर तैयारी करना है, और दोपहर के टाइम मुझे वहाँ से रवाना होना है जद्दा के लिए क्योंकि कल फ्लाइट है, इस चक्कर में मुझे टैक्सी पकड़ना पड़ेगी रात में ही, अभी 1:30 से 2 बज रहा है रात के, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई भी टैक्सी अभी आएगी तो मैं उससे निकलता हूँ मदीने के लिए। टैक्सी यहाँ पर खड़ी तो है, यहाँ पर ये खड़ी हुई है लेकिन सारी की सारी खाली है, जब तक पूरी सवारी नहीं आएगी जब तक कोई टैक्सी अभी नहीं निकलने वाली है। देखिए अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर मक्के के जरवर इलाके में, और ये देखो जद्दा के लिए रास्ता यहाँ से जाता है, तो मुझे तो जाना है मदीने, अब मैं वेट कर रहा हूँ कोई भी टैक्सी जल्दी से फुल हो जाए तो मैं भी उस टैक्सी के ज़रिए निकलता हूँ। इन भाई सबसे बोल दिया है मैंने, लेकिन ये कह रहे हैं भाई जब तक फुल नहीं होगी तब तक ये भी नहीं जाने वाले। मसला क्या है ना कि अभी इतनी रात हो रही है, इस चक्कर में सवारी भी ज़्यादा नहीं है, अगर दिन का टाइम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाते। ऐसा टैक्सी वाला भी बेचारा कह रहा है कि यार अल्लाह करे कोई आ जाए, तो वो भी इंतज़ार में है, कोई सवारी आएगी तो वो भी निकलेगा, मैं भी निकलूँगा। टैक्सी वाला ना काफ़ी देर से लोगों को बुला रहा है लेकिन अभी कोई आ नहीं रही सवारी। और देखो एक बिल्ली यहाँ पर नज़र आई है, ये क्या कर रही है, बड़ी घूर रही है। अरे तो गुस्से में पत्ते खा रही है पेड़ के, इतना गुस्सा। ये देखो घूर रही है यार ये तो तुम तो। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ के आप रोड देखो, सन्नाटे पड़े हुए हैं भाई यहाँ पे, सिर्फ कुछ ही गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं अभी। तो आज तो बहुत बड़ी चोट हो गई है, मतलब एक तरीके से बीच में फंस गए,
काफ़ी देर तक टैक्सी का इंतज़ार किया, मतलब टैक्सी तो थी लेकिन सवारी नहीं थी मदीने के लिए, तो मुझे अकेला तो कोई वैसे भी लेकर नहीं जाने वाला था। और तो इसलिए अब देखिए रात के 3 बजने वाला है, मैं ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकता, तो मुझे भी नींद आने लगी है। तो हरम शरीफ पास में ही है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ भाई तहज्जुद का भी टाइम हो गया है, फजर के टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो चलते हैं भाई वहीं पर थोड़ा सा वक्त गुजार के नमाज़ भी अदा कर लेंगे, उसके बाद फिर फजर पढ़ के देखेंगे सवारी मिलती है तो ठीक टैक्सी से जाएंगे, वरना फिर 8 बजे तो बुलेट ट्रेन का टाइम हो ही जाएगा। ने उज़ैर को भी फ़ोन लगाया था तो वो भी कह रहा था कि भाई रूम पर आ जाओ, लेकिन भाई मैं यहाँ से फिर उसके रूम जाऊँगा, अगर मैं रूम पर जाकर उसके यहाँ सो गया वहाँ होटल पर तो मुझे पता है कि जोहर हो जाएगी, पता नहीं कितने टाइम में हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं है तो नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। इसलिए अभी थोड़ी देर हरम शरीफ में टाइम बिताएंगे। ये देखिए सामने नज़र आ रहा है हरम शरीफ। कितना दूर? वन वाहिद 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 अस्सी रियाल। ये बंदा कह रहा है कि ये कहाँ है आदमी, तो ही नहीं भाई इंतज़ार कितना करना पड़ेगा ये बता। 3 मिनट हमने वो स्टॉप दिखा रहा है वहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लाकर छोड़ा है और दूसरे बंदे को पकड़ा दिया और दूसरा बंदा मुझसे ले रहा है 70 रियाल मांग रहा था, 60 में फाइनल हुआ है और 10 उसने कैश मुझसे ले लिए, मतलब कि सवारी ट्रांसफ़र की गई है। अब मुझे इसके सहारे जाना पड़ेगा, मेरा तो पैसा चार्ज बढ़ गया भाई। इसको ओपन करो ना। हो गया ओके। Sidhar 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 Sid